है चंबल और इसी नदी के किनारे बसा है अपना धौलपुर। चंबल यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अब हम जा रहे हैं चंबल सफारी के सफर पर और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ के क्रोकोडाइल, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय घड़ियाल उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये पूरी तरह से एक रिजर्व सेंचुरी है।
डॉल्फिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एक जलीय प्राणी है जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, लेकिन चंबल में भी डॉल्फिन प्राणी पाया जाता है। बारह महीने बहने वाली भारत की ये सबसे साफ नदियों में से एक है। चंबल नदी को चरमणवती के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में स्थित महू स्थान की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी के बड़े बड़े टापू हैं और इनको स्थानीय भाषा में भरके कहा जाता है, और चंबल ही एक ऐसी नदी है जो इस तरह के मिट्टी के टापू बनाती है। मेरे पीछे आप ये जो महलनुमा ये एक बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई रहने की जगह है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली ये एक कुएं के लिए एक कोई इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और इन सीढ़ियों से होके ऊपर जाया जाता है, और वो जो गेट आप वहाँ देख रहे हैं उसके अंदर से भी सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर, और ऊपर जाके वहाँ पर एक कुआ बना हुआ है जो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये गेट है और इस गेट के अंदर ही है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो ये थी चंबल। तो चलिए मिलते हैं धौलपुर के गौरवमय इतिहास की अगली कड़ी में।